नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गोरे, पीपुल समाचार, आई एम भोपाल से। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। खुद हमारे साथ आज सुदेश भोसले जी, जो कि हमें बताएंगे कि आज क्या क्या आज आप किशोर सम्मान से आपको नवाजा रहा है, कैसा महसूस करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिनको अपना गुरु माना है उनका, उनके नाम से सम्मानित हो रहा हूँ। तो मैं आज के आयोजकों का और हमारे मित्र सुनील शुक्रवारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और बहुत खुशी हो रही है इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर पे भोपाल में मैंने कई बार मुझे बुलाया गया कार्यक्रम करने के लिए, और खंडवा में भी किशोरदा के गांव में जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ भी प्रोग्राम किया था मैंने। तो आज क्योंकि 89 बर्थडे था 4 तारीख को, तो हमने कई जगह उनके नाम के कार्यक्रम हुए, तो मैंने भी कलकत्ता में बहुत बड़ा शो किया था, और आज ये सम्मान मिल रहा है तो ज़रूर खुशी तो हो रही है और ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि जिनकी वजह से हमारा भी नाम हुआ है, उनका नाम और उनके गाने गाते रहें, हम नए जनरेशन को भी हम सुनाते रहें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और मैं भोपाल वासियों का और किशोरदा के सभी फैंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, एक किस्सा मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि जब आप एक कॉन्सर्ट कर रहे थे जब शुरुआती दौर में, तो आशा जी उस टाइम पे चीफ गेस्ट थी, और उन्होंने जब आपकी आवाज़ सुनी थी और उन्होंने आपसे कहा था कि आपकी आवाज़ की एक टेप मुझे दीजिएगा, मैं आर डी बर्मन जी को दूंगी, सो वो क्या किस्सा था कुछ आप बताएंगे। जी, आशा जी ने एक मेरा हमारा शो देखने आई थी जहाँ मैंने एस डी बर्मन साहब का गाना गाया था, सुन मेरे बंधु, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मुझे वो आप गाना दोबारा सुनाइए। तो मैंने अमर प्रेम फिल्म का एक गाना उनको सुनाया, डोली में मिठाई के कहर। तो जब मैंने गाना सुनाया उनको, तो मैंने गाना ख़त्म करने के बाद जब सामने देखा तो आशा जी ने अपने हाथों से, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। जैसे गाना ख़त्म हुआ, जैसे हाथ उन्हें हटाए तो देखा तो दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे उसके, और उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि सचिन दा खुद सामने खड़े होकर गा रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा समझ भी नहीं आया मेरे कि क्या हो रहा है, और मतलब यकीन नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उन्होंने कहा प्लीज़ यह गाना दोबारा गाइए, मुझे रिकॉर्ड करना है। फिर मैंने उस गाने को रिकॉर्ड किया और वो बिना कुछ बोले वो निकल गई। और दूसरे दिन 7 बजे पंचमदा के यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि पासपोर्ट लेके आ जाओ म्यूज़िक रूम पे। मैं वहाँ गया तो आशा जी ने कहा हाँ यही लड़का है वो जो गा रहा था। तो पंचमदा ने कहा कि हम लोग आशा भोसले आर डी बर्मन नाइट कर रहे हैं हांगकॉन्ग में, तो हम तुमको साथ में लेके जा रहे हैं। तो वहाँ मैंने कई गाने गाए, मिमिक्री भी की, और मैंने अंत में जब सुन मेरे बंधु गाया तो पंचमदा भी विंग्स में दौड़ के आए, मुझे गले लगा कर एकदम वो इमोशनल हो गए, और फिर आके उन्होंने पहला ब्रेक मुझे जलजला के लिए 1986 में दिया। तो उस तरह से मतलब आशा जी और पंचमदा की वजह से मैं प्लेबैक सिंगर बना। सर, एक किस्सा और है मैंने सुना है, जब आपने शावा शावा गाया था तो जया बच्चन जी ने एक नेक के तौर पे आपको 100 रुपये दिए थे, ये क्या सच है या? जी, लेकिन वो गाना शावा शावा नहीं था, मेरी मखणा जो है बागवान का। तो उस समय ज़्यादातर मैंने जितने भी गाने गाए उसमें अमित जी खुद मौजूद होते थे, लेकिन उस गाने में, उस रिकॉर्डिंग में अमित जी नहीं थे, तो जया जी और अभिषेक उस रिकॉर्डिंग में थे। और गाने के बाद जया जी ने मुझे और आदेश श्रीवास्तव, स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव, उन दो हम दोनों को 100-100 रुपये दिए थे कि आप दोनों ने बहुत अच्छा गाना किया है। और अभिषेक जी ने कहा था कि दिस इज़ द बेस्ट सॉन्ग यू हैव संग फॉर पा, तो एक कॉम्प्लीमेंट था हम दोनों के लिए। सर, एक और बात थी कि संजीव कुमार जी की जब डेथ हुई थी और उनकी 5 फिल्में पेंडिंग थी, क्या आपने ही उनकी वॉइस ओवर किया था? जी, क्योंकि मैं उन स्टेज पे मिमिक्री करता था उनकी, तो उनके गुजरने के बाद कई प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए कि अगर आपने डबिंग नहीं की तो वो फिल्में हमारी बेकार हो जाएंगी। तो मैंने लव एंड गॉड, कत्ल, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन, तो ये 5 फिल्में डबिंग की थी उनकी। संजीव कुमार जी का कोई सर एक डायलॉग हमारे ऑडियंस के लिए। ज़माना तो अपनी मोहब्बत का इनाम दे चुका है, अब देखना यह है मोहब्बत अपना क्या रंग लाती है। थैंक यू सो मच सर। एक आपने शो किया था रियलिटी शो के फॉर किशोर,
आज के रियलिटी शोज़ और जब आपने किया था काफ़ी डिफरेंस अब हो चुका है, पर क्या रियलिटी शोज़ से वाकई में एक टैलेंट निकलता है? क्योंकि आजकल नए सिंगर्स काफ़ी आ गए हैं और एक गाना गा के ही बहुत हिट हो जाते हैं, बट उनको फिर नए गाने नहीं मिलते हैं, तो क्या ये सही है? रियलिटी शोज से ज़रूर जो टैलेंट है उनको आगे आने का मौका मिलता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है वो। मतलब ऐसा नहीं कि उस शो की वजह से आप 50 साल गाते रहोगे, फाइनली आपको मेहनत करनी है। और कई बार रियलिटी शोज़ में दिखता है वो सच नहीं होता, और मेरे हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे रियलिटी शोज़ में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनका जो दिमाग है उनका ब्रेन बहुत नाजुक होता है। कभी कभी जब वो रिजेक्ट किए जाते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं, तो उनके दिमाग में जो नेगेटिव असर होता है, तो मैंने खुद कई बार देखा कि कई लोग बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको पहले खूब सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। और अगर रियलिटी शोज़ में माँ बाप अगर भेजते भी हैं तो उनको ये दिखाना कि बस एक स्पोर्ट है, खेल है, मस्ती करके वापस आ जाना, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सर आखिरी सवाल, कभी ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि यूजुअली होता है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं जब ऑफर्स नहीं मिलते, काम नहीं मिलता, आप काफ़ी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि मैं काम ना मिलने के कारण हताश हूँ? क्योंकि आपका नाम एक अमिताभ जी के साथ जोड़ा गया है। देखिए ज़्यादातर तो ऊपर वाला बहुत मेहरबान रहा है, ऐसा कभी मौका आने नहीं दिया उसने, लेकिन कभी ऐसा ख्याल आता भी है तो अपने माँ बाप को याद करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, किशोर दा के गाने सुन लेता हूँ और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेता हूँ। और इस चीज़ से मतलब कोई मूड भी ख़राब हो कभी, तो ऐसे कई चीज़ें हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको मिलके अपनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेता हूँ मैं। किशोर दा जी का सर जाते जाते एक अच्छा गीत आप हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए। आते रहेंगे बहारे, हो जाते रहेंगे बहारे, दिल की नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आते रहेंगे बहारे, हो जाती रहेंगी बहारे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। ये थे सुदेश भोसले जी, अब हम अगले फुर्सत के पलों में प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। थैंक यू सर।